फ्रेंड्स, अक्सर लर्नर ये क्वेश्चन बार बार करते हैं कि सेड और टोल्ड में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मीनिंग तकरीबन एक होती है, यानी दोनों की मीनिंग कहना होती है। या से और टेल में क्या फर्क है, कैसे जाने कि कब हमें से और टेल का यूज करना है, यानी सेड और टोल्ड का यूज करना है। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, से प्रेजेंट फॉर्म है और उसका पास्ट फॉर्म सेड होता है, जबकि टेल प्रेजेंट फॉर्म है और उसका पास्ट फॉर्म टोल्ड होता है। तो हम सेड का यूज तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में रिसीवर ना हो, यानी ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन हम टोल्ड का यूज तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में कोई रिसीवर हो, यानी ऑब्जेक्ट हो। लगता है आप कंफ्यूज हैं, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। फ्रेंड्स, अगर कहना हो मैंने कहा सब कुछ ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई रिसीवर नहीं है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि मैंने किससे कहा, आपसे कहा, उससे कहा, उन लोगों से कहा, या फिर किसी इंसान का नाम, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो यहाँ हम कहने के लिए प्रेजेंट फॉर्म में से और पास्ट फॉर्म में सेड का यूज करेंगे। वह कही कर्म ही पूजा है, यानी काम ही इबादत है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई रिसीवर नहीं है। जैसे वह कही कर्म ही पूजा है, तो यहाँ इस सेंटेंस में ये नहीं पता चला कि वह किससे कही, मुझसे कही, आपसे कही, उन लोगों से कही, या किससे कही। तो जब वर्ड कहने के बाद कोई रिसीवर ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम प्रेजेंट टाइम में से और पास्ट टाइम में सेट का यूज करते हैं। लेकिन अगर रिसीवर हो, जैसे वह मुझसे कहती है कर्म ही पूजा है, यानी काम ही इबादत है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में टेल और पास्ट में टोल्ड का यूज करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई रिसीवर है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे वह किससे कहती है, वह मुझसे कहती है। फ्रेंड्स, आप सोचें, अगर कहा जाए पुलिस ने चोर से कहा तुमने गुनाह किया है, तो यहाँ पर कहने के लिए सेड का यूज करेंगे या टोल्ड का? ऑफ कोर्स यहाँ पर टोल्ड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है। जैसे पुलिस ने किससे कहा, तो पुलिस ने चोर से कहा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई कि जब वर्ड कहने के बाद ऑब्जेक्ट आया हो, यानी रिसीवर हो, तो आप प्रेजेंट टाइम में टेल और पास्ट में टोल्ड का यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आप प्रेजेंट टाइम में से और पास्ट टाइम में सेड का यूज करेंगे। सी सेज एवरीथिंग इज फाइन, वह कहती है सब कुछ ठीक है। यहाँ पर से का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। किससे कहती है, मुझसे कहती है, आपसे कहती है, किससे कहती है, यहाँ कोई भी रिसीवर नहीं है। सी सेड वॉक इज वर्सिप, यहाँ पर हमने सेट का यूज किया क्योंकि यहाँ कोई रिसीवर नहीं है। वो किससे कही कि कर्म ही पूजा है, इस बात की कोई मेंशन नहीं है। शी टेल्स मी दैट एवरीथिंग इज फाइन, यहाँ पर हमने टेल्स का यूज किया क्योंकि यहाँ पर रिसीवर है। वह किससे कहती है, मुझसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। शी टोल्ड देम दैट वर्क इज वर्शिप, वह उन लोगों से कहती है कि कर्म ही पूजा है, यानी काम ही इबादत है। तो फिर यहाँ क्वेश्चन है कि वह किससे कहती है कि वर्क इज वर्शिप, तो पता चला कि वह उन लोगों से कहती है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, इसीलिए यहाँ पर टोल्ड का यूज हुआ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय।